जिले के उनियारा में एक ट्रैक्टर चालक युवक की पुलिस कर्मियों द्वारा पिटाई के बाद युवक के दम तोड़ने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर 3 दिन से धरने पर बैठे देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ मांगे नहीं माने जाने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक हरीश मीणा युवक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, युवक के साथ घटना करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके CID से जांच करवाने, युवक के साथ हुई घटना में लिप्त पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने पर विधायक हरीश मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ 1 जून को आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल उनियारा उपखंड के बोसरिया गांव के पास 3 दिन पहले ट्रैक्टर चालक युवक भजनलाल मीणा को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट का आरोप है, जिसके बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। युवक के दम तोड़ने के बाद गांव के लोग एकत्रित हो गए और युवक व उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना शुरू कर दिया, जिसमें देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश मीणा भी शामिल हो गए। धरना देने के बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 1 जून को आमरण अनशन पर बैठ गए। हमारी यही मांग है, सर्वप्रथम मांग है कि जो मृतक की पत्नी है, जो उसके वारिस है, उनको और लोगों की भांति उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो इकलौता कमाने वाला था, उसके घर में उसकी विधवा माँ है, विधवा पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 4-4, 5-5 साल। उनके जीवन का क्या होगा, उनकी क्या गलती थी जो इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया। दूसरी हमारी मांग है कि जिन लोगों जो इस घटना में लिप्त हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और उस मुकदमे की CID से जाँच हो, क्योंकि जिला पुलिस तो अपराध करने में है, तो वो न्याय क्या करेगी, क्या जाँच करेगी। तो निष्पक्ष जाँच के हित में हम मांग करते हैं कि CID CB से जाँच हो। तीसरी, जो भी अधिकारी इस घटना में लिप्त हैं उनको एविलम सस्पेंड किया जाए और पूरे थाना स्टाफ को, उनियारा थाने का जो स्टाफ था उनका यहाँ से लाइन में ट्रांसफ़र किया जाए। ये हमारी और एक उसकी जो मांग और है हमारी CID CB की है, मैंने आपको बताई दिया, ये हमारी मुख्य मांग है। और ये मांगें